और अभी भी सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ टीम मेडल। हमने चर्चाएं की थी कि उनके लिए डू और डाई के मुकाबले स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी भी फियर्स नाम की एक चुनौती उनके सामने मौजूद है। एक नेट डाल रहे हैं, लेकिन वो नेट डालने के चक्कर में टीम सोल के नियो के सामने वो अपने आप को ओपन में लेके आए थे एंड पनिशमेंट इंस्टेंटली दिया गया। मेडल ईस्पोर्ट्स को कर दिया जाएगा बाहर। टॉप टू टीम्स 4v4, टीम सोल वर्सेस ओबे ईस्पोर्ट्स। देखना ये कि कौन सी टीम लेकर के जाएगी चिकन डिनर, क्योंकि टीम ओबे को अभी भी 20 मीटर का फासला तय करना है। हालांकि वो एक हाइट का एडेड एडवांटेज हमें टीम ओबे के पास देखने को मिल जाएगा कि पोजीशनिंग काफी ज्यादा बेहतर है, ईविल की पोजीशनिंग काफी ज्यादा बेहतर है। गॉब्लिन आप क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ओपन में आए, वहां पर उनको काफी आसानी से टेक डाउन किया जाएगा। हालांकि रिवाइवल की कोशिश हो जरूर सकती है, कोशिश की जा रही है टीम ओबे के द्वारा, बट अभी तक का प्रदर्शन काफी बेहतर और शैडो वो ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में आगे जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन डीपीएस का एक बढ़िया प्रहार हेक्टर की साइड से देखने को मिलेगा। ओमेगा उनको टेक डाउन किया जरूर गया है, लेवल 3 की जो अवेलेबिलिटीज है वो उनको मिल जाएंगी। बस दिक्कत ये कि सोल के खेमे में तो रिवाइवल चल रहा है, बट ओबे के खेमे में वो रिवाइवल पॉसिबल होगा नहीं। एक बढ़िया ग्रेनेड गॉब्लिन का पीके से बैकफुट पर टीम ओबे। देखिए टीम सोल के दो खिलाड़ियों को नॉकआउट किया गया था, तभी जाके एक प्ले दिखानी चाहिए थी, लेकिन फिर से गॉब्लिन और ओमेगा का जब रिवाइवल हो गया उसके बाद मुश्किल जो है बढ़ चुकी है। कर देगा नॉकआउट फिर से गॉब्लिन को, अभी भी सिचुएशन 2v3 की रहेगी, बाहर से ही आना पड़ेगा। स्पाइक को किया जाएगा नॉकआउट, एक आखिरी प्लेयर पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी और उनके सारे साथियों को कर दिया जा रहा है खत्म। टीम सोल का आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर ऑलमोस्ट आने वाला है। नेट टॉस करके आगे आने की कोशिश, लेकिन जी नहीं, टीम सोल फाइनली आई थिंक गोलियों की गूंज सुनाई देते हुए सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हेक्टर और ओमेगा ऑलरेडी ऋषि के ऊपर भारी पड़ना चाह रहे हैं। हाथ में उनके है AKM, बट अकेले फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी ऋषि यहाँ पर मौजूद है और एक और ग्रेनेड का जो प्रहार है वो करने की कोशिश, बट कामयाबी वो उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं। एच पी ऋषि ऑलरेडी हो चुके हैं और ये एक बेहतर चीज ये थ्रोएबल का वो जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। टीम सोल को भी पता है कि सामने एक DBS है और डबल बैरल शॉटगन के आगे आप बिल्कुल भी आना चाहेंगे नहीं। एक बढ़िया ग्रेनेड हेक्टर का, ओमेगा वहां पे कंफर्मेशन निकालेंगे, वो ऐसे सर्कल से एडवांटेज उठा सकते हैं। एक बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास मौजूद, बट मिस्टर स्प्रे वो जा रहे थे, टीम सोल का वो खिलाड़ी रहेंगे। गॉब्लिन इंपैक्ट मुझे फिनिश निकालेंगे, एलिमिनेशन टीम न्यूमन का 16वें पायदान पे। गॉब्लिन की एंड इंपैक्ट, गॉब्लिन काफी देर तक इंतजार कर रहे हैं यहां पे, आई थिंक फिनिशेस की होड़ रहने वाली है टीम सोल की तरफ से। रिको के कंधे पे एक बार फिर से बता दिया क्या हुआ है सर्कल, DBS लेके एडविनो वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम सबको पता है कि एडविनो वन ऑफ द बेस्ट DBS प्लेयर और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। इस जोन के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट डर लग रहा है मुझे कि कोई तीसरा इसका फायदा ले ले एंड मुझे लगता है वो टीम एक्सपार्ट। ओमेगा बीच में देखिए बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स के साथ साथ जो ग्रेनेड का आदान प्रदान हो रहा था वहां पर एक बेहतरीन दो नॉकआउट सिक्योर कर चुके अपने नाम मार्कोस गेमिंग एलिमिनेट। और ओमेगा का ये अग्रेशन, ये ओवर कमिटमेंट भारी पड़ता हुआ, स्पार्क के खिलाड़ी उनको डैमेज जरूर दे रहे थे लेकिन नॉकआउट निकाला गया ब्लाइंड, कंफर्मेशन निकाला गया ब्लाइंड के रॉनी के द्वारा और लग तो रहा है कि बिग ब्रदर का भी एलिमिनेशन देखने का। जंप किया उन्होंने, एक मिनिमम 4 ग्रेनेड्स एंड एक वॉली मैंने नोटिस की है जो डाला गया है, लेकिन स्काउट आगे आके कवर लेने की कोशिश और गॉब्लिन इंस्टेंट उनको देखेंगे नॉकआउट करेंगे, लेकिन वो डाउन द रेंज जाके रिवाइवल उनका दिया जा सकता है। लेकिन अभी टीम सोल के गॉब्लिन का जो पोजीशन है वो ओआरई स्पोर्ट्स को लग चुका है, ओआरई स्पोर्ट्स चाहे तो वो और परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन स्काउट कुछ ही एचपी के साथ बचे हुए हैं, ब्लीड आउट हो जाते हैं वो जोन में। लेकिन ओआर मैक का ये ग्रेनेड देखिए, ये रहेगा डेथ जोन का स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0 में, ये पहले डेथ जोन का चिकन डिनर कौन लेके जाएगा। टीम सोल है पुश करने के लिए तैयार, के सारंग आ गया, एक ग्रेनेड आएगा सारंग का, दो खिलाड़ियों को किया गया है नॉकआउट और ओआर के मैक बाहर आके खत्म कर रहे हैं। ओआर ईस्पोर्ट्स बेहतरीन परफॉर्मेंस, अकेले सोल के नियो वो कर रहे हैं हील बैटल, लेकिन देखिए फर्स्ट एड जो है उनके पास बहुत सारी रहेगी और टीम सोल